हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं सोफिया। आज हम बनाएंगे चीज़ी क्रीमी पास्ता, जो कि बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत जल्दी बनकर आ जाता है। इसके लिए मैंने सामान लिया है। ये मैंने एक कटोरी पास्ता लिया है। आप कोई सी भी चॉइस का ले सकते हैं, आप पास्ता अपनी पसंद का ले सकते हैं। छोटा सा स्मॉल साइज़ का मैंने टमाटर काट रखा है रफली, और स्मॉल साइज़ की प्याज काट रखी है इस तरीके से। और इसमें ये मैंने कैप्सिकम, शिमला मिर्च, ये भी मैंने स्मॉल पीसेस कर रखे हैं, आप देखेंगे। एक एग लिया है। इसमें क्रीम ली है, लो फैट अमूल क्रीम है। चिली फ्लेक्स लेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, और इसमें हम मोज़रेला चीज़ लेंगे, और ये पास्ता का जो मसाला आता है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम पास्ता उबाल लेते हैं। यहाँ मैंने पानी बॉयल होने रख दिया था। इसमें हम आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल, और इसे हम पास्ता इसमें ऐड कर देंगे। और एक उबाल आने के बाद इसे हम थोड़ा कम गैस पर कर देंगे, और इसे कम से कम आप इसे 5 मिनट इसे उबालिएगा। पास्ता उबल गया है, ये आधे से ज़्यादा गल जाना चाहिए। आप देखेंगे साइज़ भी थोड़ा सा इसका बड़ा हो जाता है। तो इसको बस यहीं पर हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको छान लेंगे। कढ़ाई में मैंने 1 डिश का चम्मच ऑयल लिया है। इसमें हम प्याज डाल देंगे, और साथ ही हम इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। और टमाटर भी में हम पास्ता मसाला ऐड करेंगे। और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स को। इसी में हम ऐड करेंगे क्रीम, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पास्ता, इसको लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही पकने देंगे। 1 मिनट बनाने के बाद इसमें हम चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं बहुत ही आसान रेसिपी है। यहाँ गैस को ऑफ कर देंगे। पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें हम अंडा डालेंगे। इसको थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा नमक। इसे हम 1/2 फ्राई ही फ्राई करेंगे इसको। बस यहीं पे गैस ऑफ कर देंगे। ये चीज़ी क्रीमी पास्ता बनकर रेडी है। आप इसे खाएं और इसे एंजॉय करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। गुड बाय। हैव अ गुड डे।